हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में, और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बाल्टिक सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेडेल सी को लेकर के, तो वेडेल सी की लोकेशन हम मैप में व्यू कर लेते हैं। वेडेल सी जो है वो सदर्न ओशन का पार्ट है। इस वेडेल सी का जो सदर्न पार्ट है वो परमानेंट फ्रोजन आइस शेल्फ से कवर रहता है। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये जो आइस शेल्फ है जो यहाँ पर कवर्ड है उनमें टाइम के साथ में उनके साथ में डिक्रीज देखने को मिलता है, या फिर वो अपने मेन पार्ट से टूट करके इस एरिया में फ्लोट करती हुई भी दिखाई देती है। इन सभी की वजह से यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट सी है, जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है, वो न्यूज़ में रहते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट लोकेशन जिसको हमने न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी रीड किया है या देखा है, उसको आपको एक बार एटलस में जरूर व्यू करना चाहिए, क्योंकि जो भी रेगुलर न्यूज में रहता है कोई भी पॉइंट, उसको लेकर के ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स, वो एस्पायरेंट जिनका टारगेट 2023 UPSC है और इसके प्रिपरेशन वो कर रहे हैं और उनको लगता है कि रेगुलरिटी उनके लिए एक इशू है कि वो रेगुलर अपनी स्टडी में रेगुलरिटी तरीके से अपने जो भी सिलेबस है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं और एक मेजर प्रॉब्लम है उनके लिए, तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। डेली बेसिस पर जो टारगेट दिया जाएगा उसको फिर आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिलेबस के उस टॉपिक को इस तरीके से कवर करवाया जाएगा कि उस टॉपिक से अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और अगर मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप इजीली राइट कर पाओ, टिक कर पाओ और इजीली अपना जो आंसर है वो मेंस में लिख पाओ। हमारे जो मेंटर हैं वो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना आंसर को इम्प्रूव करना है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से तैयार करना है, इन सभी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस जो है आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो 1-to-1 कॉल कन्वर्सेशन जो है वो भी हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में अलाउ है। आप हमारे मेंटोर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो सिलेबस का ये पार्ट है इसको लेकर के हमें इशू है, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाकर के इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनको आप रीड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके टारगेट को ईजिली आपको अचीव करवाने में आपकी हेल्प करेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को हम डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के। कल 6 अगस्त को हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और इसमें जगदीप धनखड़ जो हैं, जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, वो यहाँ पर हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। दूसरी तरफ से अगर हम अपोजिशन से बात करें तो अपोजिशन से यहाँ पर मार्गरेट आलवा जो हैं, जो भी पहले जो है गवर्नर की पोस्ट पर रह चुकी हैं, तो मार्गरेट आलवा यहाँ अपोजिशन में कैंडिडेट थी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, लेकिन NDA अलायंस ने जिनको चुना था, जिनको एक तरीके से नॉमिनेट किया था, वो यहाँ पर इलेक्ट होकर के आए हैं। आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इन सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए काम चल रहा था तो वहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हो, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया गया कि मेनली जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट ये रहेगी कि राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स के वो हेड रहेंगे। हालांकि जब कभी कभी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट रहेगी तो प्रेसिडेंट का रोल भी प्ले करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड में उनका जो काम है वो सिर्फ राज्यसभा के एज ए चेयरमैन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना ज़्यादा कोई नेसेसरी नहीं है। ओके, तो ये जो आर्टिकल है अभी इसी ईयर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोनों की क्या क्या
उनके पास में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या बेसिक उनको लेकर के फीचर्स हैं इन पोस्ट के लिए, इन सारी जो भी बेसिक फीचर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको क्लियर ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस में अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि काबुल में लास्ट ईयर 2021 में जब तालिबान ने कैप्चर किया तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ थी, जिनकी भी एम्बेसी थी, उन सभी ने उसको वैकेंट कर दिया था। सेम प्रोसीजर जो है वो इंडिया ने यहाँ पर फॉलो किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया ने दोबारा से अपना जो डेलीगेशन है वो अफगानिस्तान में सेंड किया है, अपना जो भी वहाँ पर एम्बेसी थी उसको व्यू किया है। तो हमें देखने को ये मिला है कि जो हमारी एम्बेसी है वो सुरक्षित है, उसमें कुछ तोड़फोड़ देखने को नहीं मिली। हालांकि जो भी हमने लॉकअप किए थे वहाँ के जो भी रूम्स होंगे उनके जो लॉक हैं वो टूटे हुए मिले हैं, लेकिन जो भी वहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो सभी हमें सुरक्षित सेफ तरीके से वहाँ देखने को मिली है। तो हमारे इंडिया ने एम्बेसी में जो काम है वो जल्दी वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। वीज़ा को लेकर के जो भी अप्लाई किए जाने थे, जो भी प्रोसीजर था, उन सभी के लिए यहाँ पर जो काम है उसको रेगुलर किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कोविड 19 के जो केसेस हैं उनके बारे में बता रखा है कि टाइम के साथ में दोबारा से इनमें हाइक देखने को मिल रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट नेसेसरी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए कहा है। ये आर्टिकल जो है वो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक इसी तरीके से जो लोकेशन है वो न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर ताइवान की लोकेशन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट, एक तो ताइवान स्ट्रेट जिसके थ्रू वो ईस्ट चाइना सी से कनेक्टिविटी होती है साउथ चाइना सी की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है लुजोन स्ट्रेट जिसके थ्रू जो है वो भी कनेक्टिविटी होती है पैसिफिक ओशन से या फिलीपीन सी से, जो साउथ चाइना सी है उसकी। तो जब भी कोई एरिया न्यूज़ में रहे उसके आसपास वाला जो रीजन है उसको भी हमें व्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के एग्जाम में आप सभी को पता है कि यूपीएससी की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आते हैं। तो ये ताइवान की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको हम इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये मैप है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है चाइना और चाइना के यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है ताइवान। तो ताइवान यहाँ पर ये जो है ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है साउथ चाइना सी, यहाँ पर ताइवान स्टेट है और यहाँ पर है लुजोन स्टेट जिसके थ्रू जो है वो फिलीपीन सी से कनेक्टेड किया जाता है किसको, साउथ चाइना सी को। ओके, तो ताइवान की जो लोकेशन है इस पे चाइना क्या कर रहा है कि ताइवान के आसपास वाले एरिया में जो भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो भी अपनी फायर ड्रिल्स है, उनको रेगुलर कर रहा है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर क्लेम किया था कि अगर यूएस से यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ताइवान में एंटर करते हैं तो हमारी जो वन चाइना पॉलिसी जो है उसको आप वायलेट कर रहे हो। FAQ जो पेज है उस पर भी इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में अच्छे से आई है कि क्या क्या प्रॉब्लम है चाइना को और यूएस ने यहाँ पर क्यों अपना जो भी विजिट है वो रेगुलर किया, इन सभी के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो चाइना की एक सिप है और श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनडोटा पोर्ट। हालांकि ये जो हम्बनडोटा पोर्ट है उसको 99 ईयर के लिए चाइना को लीज पर दे भी दिया गया है। तो यहाँ पर चाइना की एक जो सिप है उसकी यहाँ पर विजिट होने वाली थी और ये बोला जाना था कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को रखेगा। इंडिया ने इस बात को लेकर के अपने कुछ इशू जो है वो रिप्रेजेंट किए कि यहाँ पर हमारे इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से अगर सिप की विजिट होती है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न ये चीज़ें क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पर श्रीलंका ने अर्ज किया है चाइना से कि जो भी आपकी विजिट होने वाली है उसको आप कुछ समय के लिए रोक सकते हैं ताकि ये जो इशू है उसको सॉल्व कर लिया जाए। हम्बनडोटा पोर्ट की यहाँ पर बात की गई है। हम्बनडोटा पोर्ट की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की लोकेशन को जब आप व्यू करते हो तो उसका जो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर है श्रीलंका इंडिया के, तो यहाँ पर जो है हम्बनडोटा पोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है श्रीलंका का आफ्टर पोर्ट ऑफ कोलम्बो। ये जो हम्बनडोटा पोर्ट है इसको डेवलप किया गया, लेकिन इसको बनाने के लिए जो भी मनी लिया गया फॉरेन कंट्री से तो उसको फिर जब रीपे करने की बात आई तो इसके लिए श्रीलंका जो है वो तैयार नहीं था। इसी की वजह से यहाँ पर लीज़ पर देने के लिए इस पोर्ट का जो भी बिड है उसको ओपन की गई और इसमें 80% तक जो इसके स्टेक्स हैं वो चाइनीज़ कंपनी के पास में अब हैं और चाइना 99 को हम्बनडोटा पोर्ट को यहाँ पर अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है,
देखो ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन में अपनी जो प्रेजेंस है उसके बनाने के लिए स्पेसिफिक है। इंडियन ओशन की अगर आप लोकेशन की बात करोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ इन सब की कंट्रीज़ के लिए जो इसके साथ में अपनी मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, बल्कि अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन सभी के लिए कनेक्टिविटी भी इसके थ्रू ही प्रोवाइड होती है। ऐसे बोलते हैं कि जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसका मोर देन 50% जो है वो यहीं से पास होता है, वो सारा ट्रेड का जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए इंडियन ओशन का फ्री एंड फेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के लिए जो क्वेड ग्रुप है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। क्वेड ग्रुप में आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, USA है और यहाँ पर इंडिया है, ये 4 कंट्रीज़ मिलकर के, और स्पेसिफिक इनका टारगेट ये है कि इंडियन ओशन के ऊपर किसी भी कंट्री का जो है वो एग्जिस्टेंस ना आए, कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट ना कर सके। चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती कंट्री है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक बेस एस्टेब्लिश किया है। सेम इसी तरीके से अभी पैसिफिक ओशन में जो सोलोमन आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि वहाँ पर भी टाइम के साथ में अपने जो बेस जो है वो एस्टेब्लिश किए जा सके। हालांकि US जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और अभी US के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पैसिफिक ओशन में जो भी स्मॉल आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं उन सभी की मीटिंग रखी है यहाँ पर US में, ताकि जो भी प्रॉब्लम है इन जो भी आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो भी इशू हैं उन सभी को सोल्व किया जा सके, और US जो है वो चाइना के काउंटर में इन स्मॉल आइलैंड कंट्री के साथ में अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन कर सके। तो अगर हम बेसिक पॉइंट की बात करें तो सारी बात ये है कि किसका यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट हो और कौन जो है वो वर्ल्ड लेवल पर सभी को रेगुलेट कर सके, इसी के लिए ये जो काम है वो किया जा रहा है, मतलब अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ के जो CM हैं उन्होंने, देखो चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, उन्होंने एक रिटेरिएट किया है, एक रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है एक नेक्स्ट बेंच खोलने की कोशिश भी की जा रही है कि देखो जब भी अगर सेंट्रल लेवल पर किसी को कोई इशू होता है, हाई कोर्ट से कोई भी इशू पास होता है, तो उसके बाद में मान लो सर्दर्न स्टेट में कोई प्रॉब्लम हुई और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको रेगुलर करना है उस इशू को, तो उनको कहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। इसलिए बार बार डिमांड की जाती है कि रीजनल एरिया पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ ब्रांचेज एस्टेब्लिश की जाएँ, ताकि अदर एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी है ईजिली हो सके और लोगों को इतना परेशान होकर के दिल्ली तक रीच अपनी ना बनानी पड़े। देखो सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई ब्रांच आपको एस्टेब्लिश करनी है तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे CGI को इसमें पावर देता है कि CGI जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकता है कोई भी ब्रांच, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ब्रांच किसी भी एरिया में एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन प्रेजिडेंट के साथ में डिस्कशन करने के बाद में वो ये काम करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि तमिलनाडु के जो CM हैं कि हम हाई कोर्ट में तमिल लैंग्वेज को जो यूज़ करेंगे। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारे इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज जो है वो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है उसको हम यूनियन लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ही काम करेंगे, मतलब यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको यूज़ किया जाएगा। स्टार्टिंग में इंग्लिश के लिए ये बात बोली गई थी कि इंग्लिश को 1965 तक हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश एरा से हम वापस निकले थे इंडिपेंडेंस के बाद में, तो उस टाइम जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो 1965 तक इंग्लिश को हम यूज़ करेंगे और उसके बाद में देखा जाएगा कि इसको रेगुलर करना है या नहीं करना है। तो 1963 के टाइम से ही इसको लेकर के प्रोटेस्ट होने लगा कि इंग्लिश को रेगुलर किया जाए, और उसके बाद में पार्लियामेंट ने 1965 से आगे अनलिमिटेड टाइम तक, मतलब कोई टाइम फिक्स ही नहीं किया, जैसे कि अगर हम बात करें और SC और ST को जो रिजर्वेशन दिया जाता है लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, हर 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है, फिर 10 साल के बाद में फिर दोबारा से इसमें चेंज किया जाता है, फिर 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को 1965 में अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी हिंदी के साथ में रेगुलर कर दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में ये सारे प्रोविजन जो हैं वो रखे गए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स की
ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो फ्री हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज को अपने यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करना है तो इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो लॉ के थ्रू अदर लैंग्वेज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये लैंग्वेज की बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडिया इस तरीके से सेलिब्रेट करेगा कि हमारी जो नेवी है वो इसमें भी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। हमारी जो नेवी है वो 6 कॉन्टिनेंट के, 3 ओशन के थ्रू 6 डिफरेंट टाइम जोन में जाकर के फॉरेन जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया की बहुत सारी जो शिप है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कि INS चेन्नई, INS बेतवा जिनको मस्कट ओमान में जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, INS सरयू जो है सिंगापुर एशिया में, INS श्रीकांड मोम्बासा केन्या अफ्रीका में, INS सुमेधा जो है उसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया, INS सतपुरा सन डियागो US नॉर्थ अमेरिका में, INS तर्कस जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, एंड INS तरंगिनी जो है वो लंदन UK यूरोप में। तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट में इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा और कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की इंडिया जो है अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को किस तरीके से सेलिब्रेट करेगा, किस तरीके से वहाँ पर जो भी हमारा डायस्पोरा है अदर कंट्रीज़ में, अदर कॉन्टिनेंट में, उन सभी के साथ में हम सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो INS तरंगिनी जो है वो इंडियन सोल्जर्स को यहाँ पर अपनी जो ट्रिब्यूट है, अपनी जो होमेज है वो भी देंगे, यहाँ पर पे करेंगे, जो दो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस की थी अपनी लाइफ, उन सभी को यहाँ पर होमेज पे की जाएगी एट द कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट्स पर। इसके अलावा सेरेमोनियल रीथ लेइंग बाई द नेवल डेलीगेशन इज शेड्यूल्ड एट क्रांजी वॉर मेमोरियल एंड द INA मार्कर एट सिंगापुर द नेवी सेट। ओके, तो इस तरीके से कोशिश की जाएगी कि अलग अलग लेवल पर जाकर के हमारा जो इंडिया है वो अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रख सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, चकमा और हाजोंग कम्युनिटी जो है उनके बारे में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसमें 1960s में चकमास एंड हाजोंग को रिहेबिलिटेट किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में इनको रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से चकमा और हाजोंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उनको ये रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि टाइम के साथ में उनको बाहर कर दिया जाए। चकमा और हाजोंग से रिलेटेड अगर कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, यहाँ देखिए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो चकमा है वो जो है, चकमा जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के ही पार्ट हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन से बिलोंग करते हैं। हाजोंग जो है वो हिंदूज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 1964 से 1969 के बीच में ये जो है बांग्लादेश में लोकेटेड थे, लेकिन बांग्लादेश में यहाँ पर जैसे कि चकमाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कर्णाफुली एक रिवर है उसके ऊपर कप्ताई डैम बनाया जा रहा था, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो चकमा कम्युनिटी है इसको यहाँ से हटाया गया और फिर ये लोग जो हैं वो वहाँ करके इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई। दूसरी बात करें हाजोंग की, तो ये जो हाजोंग कम्युनिटी है इनको यहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन देखने को मिला, इसी की वजह से यहाँ पर, क्योंकि नॉन मुस्लिम थे तो इनको यहाँ पर बांग्लादेश कंट्री में इशू क्रिएट हुए और इसी की वजह से निकल करके इंडिया में आ गई। आप सभी को पता है बांग्लादेश जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान मतलब जब इंडिया का दो पार्ट में इंडिया डिवाइड हुआ तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट में जो पाकिस्तान है उसी का ही पार्ट था जो आज बांग्लादेश है। उसके बाद में यहाँ पर जो पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होकर के नया कंट्री बना, लेकिन बीच में इंडिया एग्जिस्ट करता था तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी में एक तो काफ़ी इशू रहे, दूसरा यहाँ पर ये जो वेस्ट पाकिस्तान है इन्होंने यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की। बल्कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उस टाइम पाकिस्तान की यहाँ से जनरेट होती थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है बांग्लादेश वाले एरिया में। दूसरा अगर हम बात करें तो जो रिवर है उसकी वजह से वाटर
की अवेलेबिलिटी भी है, तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती थी। एग्रीकल्चर जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होगी तो रेवेन्यू यहाँ पर अच्छा जनरेट होगा, तो इसका यूज यहाँ पर किया जाता था। और पॉलिटिक्स में यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो डोमिनेंस करते थे, तो इसकी वजह से इन लोगों में एक इशू क्रिएट होने लगा कि पैसा जो है हमारा जाता है और डोमिनेंस ये करते हैं। इसके बाद में ये क्या किया गया कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको बंगाली लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी गई, उसकी जगह उर्दू लैंग्वेज है उसको प्रेफरेंस दी गई कि उर्दू को ही यहाँ पर मेन लैंग्वेज माना जाएगा। उसके बाद में जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा हो गया और फिर 1971 में ये जो है जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और हमारे इंडिया ने भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प इनकी की थी। ओके, तो यहाँ से लोग जो है, क्योंकि उस टाइम ये पाकिस्तान का पार्ट था, तो यहाँ से जो लोग हैं वो निकल करके फिर इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट हैं वहाँ पर आने लग गई। 2015 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर भी दिया था कि जो भी चकमा और हजोंग हैं इनको सिटीजनशिप दी जाए। हालांकि इनको जो सिटीजनशिप है, क्योंकि देखो ये बुद्धिज़्म और हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनको तो सिर्फ CAA 2019 आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू भी दी जा सकती है, लेकिन इसके थ्रू इनको नहीं दी जाएगी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इनर लाइन परमिट को अलाउ करता है कि कोई भी बाहर का मेंबर अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, तो इसी के बेसिस पर जो है यहाँ के इंटरनल जो इश्यूज हैं उनमें एक तरीके से CAA के थ्रू जो है वो यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसको एस्टेब्लिश किया जाए। CAA आप सभी को पता है कि CAA में क्या किया गया कि सिटीजनशिप जो है उसमें देने के कुछ छूटे जो हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। इसमें डिसाइड किया गया कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इससे 2014 से पहले सिक्स कम्युनिटी, हमारे इंडिया में जो सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें कुछ को इंडिया ने डिक्लेयर किया है, उसमें है मुस्लिम यहाँ पर एक्सेप्शन है, मुस्लिम यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर है हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है और क्रिश्चियन है। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर इनकी बात करें तो इनको इन कंट्रीज़ में जो हमारे रीजनल एरिया में तीन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ में हैं उन सभी मेंबर्स को यहाँ पर इंडिया में अलाउ किया गया है कि अगर आप 2014 से पहले इंडिया में आ गए हो तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि वैसे हमारे इंडिया में किन 5 तरीक़ों से सिटीजनशिप ली जा सकती है, उन सभी के बारे में आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक मिनट, पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इस आर्टिकल में बताया गया है वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में। इसमें अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जब मन की बात की अभी 31 जुलाई को, तो इसमें भी इनके बारे में बताया था कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट का यूज़ करते हुए जो भी हमारे इंडिया का जो भी ट्रेडिशन है, जो भी हमारा कल्चर है, उन सभी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हों। तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जो है वो पूरे कंट्री का फ्लोरा से रिलेटेड जो बिगेस्ट डाटाबेस है, मतलब कोई भी प्लांट की स्पीसीज के बारे में उसका कंप्लीट जो भी हेरिडिटरी पॉइंट्स है वो सभी यहाँ पर बातें रखी जा रही हैं। मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन सी चीज़ों के एग्जिस्टेंस है, कौन कौन सा फ्लोरा जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करते हैं। द पोर्टल विज नियरली 100,000 इमेजेज ऑफ स्पेसिमेंट्स रिकॉर्डेड 200,000 हिट्स फ्रॉम 55 कंट्रीज सिंस इट्स July 1st लॉन्च साइट टू होस्ट ऑल ऑफ इंडियाज हर्बेरिया बाई 2024। 2024 तक कोशिश की जाएगी कि सभी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाई जा सकें। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई थी जब मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रखा कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डिजिटल टूल्स का यूज़ करके हमारी जो रूट्स हैं उनसे किस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान में आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आप सभी को पता है कि डेजर्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है कि फ्लड अगर आए तो यहाँ पर, या हैवी रेन देखने को मिले तो इस वाटर को इस तरीके से स्टोर किया जा सके। और ये जो चीज़ें हैं इनको वेस्टर्न राजस्थान में नाड़ी
या फिर उनको तालाब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्टोर किया जाता है इस वाटर का, फिर यूज़ किया जाता है कम्युनिटी लेवल पर। तो इस आर्टिकल में दो इम्पोर्टेंट बातें रखी गई हैं कि राजस्थान में जो नाड़ी है, इसके अलावा यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो ओरान जो है, ओरान क्या होता है कि स्पेसिफिक वहाँ के जो लोकल डाइटीज हैं राजस्थान में, आप सभी को पता है कि जो लोक देवी देवता हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनकी पूजा करने के लिए स्पेसिफिक गांव वाले एरिया में जो है उनका स्पेसिफिक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, और उसके आसपास वाले रीजन में कुछ पेड़ वेड़ लगाए जाते हैं, उनको ओरान के नाम से जानते हैं। तो ये जो ओरान है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है उस कम्युनिटी के द्वारा, उस गाँव के द्वारा, उस विलेज के द्वारा, जिसकी वजह से क्या है वेजिटेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से रेन भी देखने को मिल रही है, और उस पानी को फिर इस तरीके से स्टोर करके उसका यूज़ किया जाता है। तो इस आर्टिकल में एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर जो जो भी प्रोसीजर है इस, ये जो राम रावास कला मॉडल जो है इसको फॉलो किया जा सकता है अदर अदर लेवल पर भी, जिससे जो है वाटर की अवेलेबिलिटी भी हो सके और जो हमारी वेजिटेशन है उसको भी हम स्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर ईरान को लेकर के जो डील है उसके बारे में बताया गया है कि यूएस जो है वो जल्द ही न्यूक्लियर डील को रिवाइवल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि अपने लेवल पर यूएस भी कोशिश कर रहा है कि जो भी इशू है उनको सोल्व किया जाए, और जो भी पहले डील हुई थी उसमें कुछ चेंज करके या उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देखो रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर रेगुलर अटैक कर रहा है, इसकी वजह से वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक देखने को मिला, तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर इसी तरीके से अटैक होते रहे और जो भी यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनमें इशू देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने ये बोला है कि ये जो स्ट्राइक्स हैं वो हमारे लिए अलार्मिंग पॉइंट जो हैं वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इशू जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे, क्योंकि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। IAEA जो है IAEA, ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इसको 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसका मेजर काम ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको पीसफुल तरीके से इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि इसका यूज़ भी किया जा सके, और इसकी वजह से डेरोगेटरी जो इशूज हैं या प्रॉब्लम जो हैं वो कम से कम क्रिएट हो। जो IAEA जो है वो रेगुलरली अपनी जो रिपोर्ट्स है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जो है अपनी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जो हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया था कि यूएस जो है वो पैसिफिक आइलैंड्स जो कंट्रीज़ हैं उनको व्हाइट हाउस में उनको इनवाइट किया है, उनके लीडर्स को, उनके साथ में डिस्कशन किया जाएगा ताकि इन कंट्रीज़ के साथ में यूएस के रिलेशन भी बेहतरीन हो सके, क्योंकि चाइना जो है जैसे सोलोमन आइलैंड्स के साथ में चाइना ने अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, इसके साथ में आने वाले टाइम में और कंट्रीज़ के साथ में भी इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो देखो यहाँ पर अगर हम मैप के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर स्मॉल आइलैंड्स हैं, और ये जो स्मॉल आइलैंड्स जो है ना इनको जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे जो है वो सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो बार बार इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो बिग कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान कम होगा लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा होगा। लेकिन एमिशन कहाँ से हो रहा है? बिग कंट्रीज़ से हो रहा है, मतलब करे कोई और भरे कोई। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है साइंस पेज पर, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो रिसर्च हैं वो की गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मंकी पॉक्स को लेकर के रिसर्च किया गया है, और एक रिसेंट स्टडी में ये देखने को मिला है कि मंकी पॉक्स वायरस में जितना एक्सपेक्टेड किया जा रहा था उससे ज़्यादा उसके जेनेटिक में चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे जैसे केसेज इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो है इसकी जो भी स्ट्रेंथन है, जो भी इसकी जेनेटिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो स्टडी ऑफ रॉक अगामा, इससे हमें ये पता चलता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से, देखो
पेनिनसुलर रोक अगामा जो है वो चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से सिटीज़ में वार्मिंग बढ़ रही है, ट्री लेवल जो है वो कम हो रहा है, फॉरेस्ट लेवल कम हो रहा है, तो ये जो स्पीसीज हैं उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। पेनिनसुलर रोक अगामा वो एक गार्डन लिजार्ड का टाइप है और सदर्न इंडिया में इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है वैसे वैसे इनका हैबिटेट जो है वो लॉस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अर्बन सेंटर्स में इनकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में बड़े बड़े जो एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेगुलर प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल स्पीसीज हैं वो हमारे इकोसिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन इनका जो संख्या है वो भी टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो रही है, तो हमें कोशिश की जानी चाहिए कि इनकी जो संख्या है उनको भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो रेगुलर तरीके से बना रह सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम मैप को व्यू करें तो यहाँ पर ये है मेडागास्कर और ये है इंडिया। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लेमूर, जिनको हम वेस्टर्न मूवीज़ जो है उसमें देखते हैं डांसिंग स्टेज में इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है वो लेमूर जो है उनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो इसको देखकर के लगता है कि ये दोनों जो हैं वो पार्ट कभी एक रहे होंगे या इनके बीच में कुछ ऐसी कनेक्टिविटी रही होगी जिसकी वजह से जो फिर वो कनेक्टिविटी जो है वो टाइम के साथ में ओशन में मर्ज हो गई, और या फिर पहले कभी साथ रहे तभी इसमें जो स्पीसीज है वो देखने को मिलती है। मतलब जो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो देखते हैं उसके थ्रू जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेम एग्जिस्टेंस तो उन थ्योरीज में यही तो डिसाइड किया जाता है ना कि ये सारी जो अर्थ है वो पहले एक ही पार्ट थी, फिर इसके बाद में जो है वो ये डिवाइड हुई पेंजिया पेंथालांसा के नाम से अर्थ और सी जो है यहाँ पर था, फिर दो पार्ट में डिवाइड हुई, नॉर्दर्न पार्ट जो है इसको अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट जो है इसको गोंडवाना लैंड, और इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, फिर टाइम के साथ में गोंडवाना लैंड जो है वो भी कुछ पार्ट में डिवाइड हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन वाले पार्ट्स में, और इस तरीके से फिर ये भी जो है वो आपके टाइम के साथ में यहाँ पर और ज़्यादा डिक्रीज हो गई, मतलब ऐसे यहाँ पर टूटे, फिर इस तरीके से शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर नर्दन जो यूरोपियन प्लेट है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इनका यहाँ पर क्या हुआ, इनका इनके साथ में एक तरीके से अगर हम बात करें तो दोनों में कोलिजन देखने को मिला, फिर इसमें भी ज़्यादा और आगे टूटने को देखने को मिला, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो गया। अब ऐसे नहीं है कि आज यहाँ से निकले दूसरे दिन यहाँ पहुँच गए, मिलियंस का टाइम लगा होगा, बहुत सारा टाइम लगा होगा ये सारा प्रोसीजर होने में, और ये तो बोलते ही है ना कि यहाँ से जब इंडिया यहाँ से पास हो रहा था तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुका होगा, और यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन है उसी का एक मेजर रीजन मानते हैं कि यहाँ पर इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है वहाँ पर जो लावा सोइल पाई जाती है उसका मेजर रीजन यही है कि यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन है उसी की वजह से ये सारी चीज़ें इंडिया के सर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती हैं। ओके, तो इन्हीं पॉइंट्स पे डिसाइड किया जाता है कि अर्थ जो है वो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर सामने आया था और किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में ये हमें दिखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर गया था इंडिया उसको अभी ख़त्म कर दिया गया है, और ये बोला गया है कि प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है और उसी के बेसिस पर नया बिल लाया जाएगा। ये जो बिल लाया गया था उसके बेसिक की अगर हम बात करें तो 2017 में पुट्टास्वामी केस हुआ था। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारे राइट टू लाइफ का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, मीन्स आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू प्राइवेसी, और इसी के लिए हमें इसको सिक्योर करना है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, श्री कृष्णा कमेटी, और इस कमेटी से रिकमेंडेशन मांगी, फिर कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी, उसके बेसिस पर बिल लाया गया, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, अभी तक पास नहीं हो पाया है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं इसके बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जब इन्होंने इस बिल को स्टडी किया तो बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें लाने की बात रखी, बहुत सारे नए प्रोविज़न जो है वो जोड़ने की बात रखी, जिसके बेसिस पर ये लगता है कि फिर इसको नए तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाए। डाटा लोकलाइजेशन की भी बात की गई थी इस बिल में कि डाटा
कुछ जो डाटा है उनको इंडिया में स्टोर किया जाएगा और कुछ जो डाटा है उनको फॉरेन कंट्रीज में भी भेजा जा सकता है। तो कुछ हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको उन्होंने इसको लेकर के इशू भी क्रिएट किया था कि हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है, हमें हमारी डील को मेंटेन करने के लिए जो डाटाज हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवानी होती है, तो इसके बेसिस पर अगर डाटा लोकलाइजेशन होता है तो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो US और चाइना का जो इशू है उसके बारे में हम फ्रंट पेज पर ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप मैप के थ्रू यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये ताइवान है और इसका जो सी एरियाज है उसके चारों तरफ चाइना जो है वो किस तरीके से अपने मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। यहाँ पर ताइवान जो है उसने देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1979 से US ने डिक्लेयर किया था कि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेंगे और वन चाइना पॉलिसी के ही अंडर आता है ताइवान, लेकिन पिछले लास्ट 25 साल में पहली बार US ने इस तरीके की अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रखी है और इसमें ताइवान के साथ में उनके कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है लेकिन इनफॉर्मल रिलेशन जो है वो उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। चाइना को ये लगता है कि अगर ताइवान को US सपोर्ट करता है तो ताइवान में 2016 से जो अपनी इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है हो सकता है इसको लेकर के और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें देखने को मिले। यहाँ पर जो है वो 5G ऑक्शन को लेकर के आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि 5G का जो ऑक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, जल्दी इसकी सर्विसेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी और उसमें जो जियो ग्रुप जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर सबसे निकल करके सबसे सामने आया है। ये प्रोफाइल्स वाला पेज है कि पूरे वीक में कौन कौन सी जो प्रोफाइल है कौन कौन से पर्सन जो है वो न्यूज़ में रहे, तो नैन्सी पेलोसी जो यहाँ पर ताइवान की विजिट की वजह से यहाँ पर न्यूज़ में रही। दूसरा अगर हम बात करें तो यू ललित वो हमारे इंडिया के नए CGI होंगे, इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जुडिशरी को जल्दी ओपन क्यों नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो केसेज हैं वो पेंडिंग में हैं। यहाँ पर ये जो है वो अमेरिका की यहाँ देखिए अमेरिकन बास्केटबॉल स्टार हैं जिन्हों ब्रिटनी ग्रिनियर जो है उनको ड्रग्स के चार्जेज में रशिया में जेल्ड किया गया है, तो ये जो नेम है वो न्यूज़ में रहे, इनके बारे में एक जनरल अवेयरनेस हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जैसे कि नैन्सी पेलोसी जो है वो नेम दे देंगे कि प्रेजेंट टाइम ये न्यूज़ में रही और ये किससे बिलोंग करती है। ओके, तो स्पेसिफिक अगर हम इंडिया के जो अभी एग्जाम होते हैं इसमें बता देंगे कि ये पाकिस्तान के लिए नई जज बनी है पाकिस्तान में, या फिर बता देंगे कि पाकिस्तान में जो है अभी वहाँ पर एक हिंदू जो है वो पुलिस ज्वाइन किया है, उन्होंने वहाँ की पुलिस सर्विस में आई है, तो इसकी वजह से कुछ वर्ड जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, कुछ नेम जो है न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नैन्सी पेलोसी कौन है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। हमारे वोल्केनो अकेडमी के कुछ अदर इनिशिएटिव हैं जैसे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, उसको आप व्यू कर सकते हो। इसके अलावा टॉपिक बेसिस पर भी हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज ला रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आज़ादी सीरीज स्टार्ट कर रखी है तो उसको आप जाकर के व्यू कर सकते हो, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए और आपके करंट अफेयर्स को कवर करवाने के लिए काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू।